घटना उस समय की है जब मैं अपने गांव में डाकिये का काम किया करता था। आज के जमाने में मोबाइल फोन का जितना महत्व है उतना ही महत्व उस समय डाकिये का हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो हमारे गांव में फोन हुआ करता था और ना ही बिजली। उस वक्त लोग डाकिये को काफी इज्जत दिया करते थे, साथ ही साथ डाकिये का भी उस समय काफी काम हुआ करता था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उस समय हमारे गांव के डाक ऑफिस में दो डाकिया हुआ करते थे, एक मैं और एक भरत। मगर भरत की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, जिस कारण डाक ऑफिस का पूरा भार मेरे सर पर आ गया था। डाक ऑफिस में काफी सारी चिट्ठियां जमा होने लगी, जिस वजह से मैं काफी देर तक घर जा जाकर चिट्ठी पहुंचाने लगा। हालांकि उस समय गांव के लोग जल्दी सो जाया करते थे, मगर दो लोगों का काम अकेले खत्म करने के बाद ही मैं डाक ऑफिस बंद करता था। उस समय मुझे डरवर नहीं लगता था, मगर मुझे कहां पता था कि इस घटना के बाद मैं इतना डर जाऊंगा कि मुझे इस डाकिये का काम ही छोड़ना पड़ेगा। खैर, एक दिन सुबह से ही काफी मेहनत करने के बाद मैंने काफी सारी चिट्ठियां घरों में पहुंचा दी और बाकी बचे चिट्ठियों को देखा तो उनका पता दूसरे गांव का था, मगर उन्हें आज के आज ही पहुंचाना जरूरी था। जिसके बाद मैंने घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था दोपहर के 3:30 बजे का। लिहाजा मैं सारी चिट्ठियों को लेकर दूसरे गांव की तरफ चलता बना। हमारे गांव से शामपुर गांव पैदल चलकर जाने में करीब 1 घंटे का वक्त लगता था, तो अभी मुझे काफी पैदल चलना पड़ेगा। कुछ दूर चलने के बाद मैंने अपने मन ही मन में कहा, क्यों ना रामू की दुकान पर चाय पीकर आगे चला जाए। इतना बोलते ही मैं रामू की दुकान पर चाय पीने चला गया। अभी मैं चाय पी ही रहा था कि तभी रामू ने कहा, क्या डाके साहब आज किधर जा रहे हैं। इस पर मैंने कहा, वो मैं आज शामपुर गांव जा रहा हूँ। तो शामपुर गांव का नाम सुनते ही रामू एकदम से चुप हो गया और फिर अचानक अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, डाके साहब वापस लौटते लौटते तो काफी रात हो जाएगी, तो जरा संभल कर आइएगा क्योंकि शामपुर गांव का रास्ता ठीक नहीं है। जिस पर मैंने रामू से कहा, ये क्या बोल रहा है तू, तुझे पता है ना मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। इतना बोलने के बाद मैंने जल्दी से अपना चाय पिया और प्याला फेंकते हुए शामपुर गांव की तरफ चलता बना। खैर, करीब 1 घंटा पैदल चलने के बाद तकरीबन 5:00 बजे मैं शामपुर गांव पहुंचा और फटाफट से चिट्ठियों को उनके पते पर पहुंचाने लगा। सारी चिट्ठी पहुंचाते पहुंचाते कब 3 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। फिर जब मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था 8:00 बजे का। उस समय 8:00 बजना यानी काफी रात, जिस कारण सारा रास्ता वीरान सा हो गया था। खैर, मैं वहां और समय जाया ना करके अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि मुझे अपना शरीर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अमूमन मैं रात को हर वक्त अपने साथ एक टॉर्च रखता हूँ, लेकिन आज मैं अपना टॉर्च डाक ऑफिस में छोड़कर आया था, जिस कारण मैं चांद की धुंधली रोशनी के सहारे ही